उरी में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर सोमवार को राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वदलीय बैठक में होगी एक्शन पर चर्चा। सोमवार को उरी हमले पर पीएम के घर पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, आर्मी चीफ, एनएसए, गृह सचिव मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। सूत्रों के अनुसार उरी हमले के सबूत पाकिस्तान को सौंपे जाएंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री की बैठक से पहले हमले पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए, आईबी के डायरेक्टर, रॉ चीफ, गृह सचिव, बीएसएफ, डीजी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। उरी हमले के एक आतंकी का तस्वीर सामने आई है। आतंकियों के पास से मेड इन पाकिस्तान सामान बरामद हुआ है, यानी कि पाकिस्तान में बना हुआ सामान मिला है। उरी हमले पर डीजीएमओ रणबीर सिंह का खुला चैलेंज, कहा भारतीय सेना देगी मुंहतोड़ जवाब, अब वक्त और जगह हम तय करेंगे। उरी में हुए आतंकी हमले पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा बहुत हो गया, अब सुदर्शन चक्र उठाने की जरूरत है। फैजाबाद में कन्हैया कुमार ने सेना को लेकर दिया विवादित बयान, कहा गरीबों और मजदूरों के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती तो हो जाते हैं सेना में भर्ती। ओडिशा के जाजपुर जिले में परिवहन की कमी के कारण एक जनजातीय महिला का शव उसके परिजन ठेले पर लेकर गए। परिजनों का कहना है कि यहां पर कोई सुविधा नहीं थी और प्राइवेट गाड़ियां 12,000 रुपए मांग रहे थे, जो उनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कावेरी जल विवाद पर दायर याचिका पर सुनवाई होगी आज। मंडिया में स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने पक्ष में होने के लिए मां कावेरी की पूजा अर्चना की। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक है आज, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। यूपी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज सभी जिला अध्यक्षों को और विधायकों को लखनऊ तलब किया। सुबह 11 बजे एसपी मुख्यालय में एक बैठक होगी और सभी को चुनाव में जुट जाने का संदेश दिया जाएगा। युवजन महासभा के पदाधिकारियों की ओर से दिए गए अब तक के सभी इस्तीफे राज्य के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मंजूर कर लिए हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के निर्देश पर सभी इस्तीफे मंजूर हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी यूथ विंग के चारों अध्यक्षों को बर्खास्त किया था। लखीमपुर खीरी में सपा से निकाले जाने के बाद एमएलसी ने आनंद भदौरिया ने बड़ा बयान दिया और कहा नेताजी के खिलाफ अमर्यादित बात या मौत में अगर एक को चुनना हो तो वो मौत चुनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी के फैसले, नेताजी के निर्णय उनके सर आंखों पर। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य की विधानसभा सदस्यता निरस्त की। कुशीनगर की पडरौना विधानसभा से विधायक थे स्वामी प्रसाद। नेता प्रतिपक्ष गया चरण दिनकर ने याचिका प्रस्तुत की थी। शामली में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी की रैली को प्रशासन ने ऐन मौके पर रद्द कर दिया है। प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए सभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। शामली के कैराना में रंगदारी के मामले में डीआईजी जेके शाही ने व्यापारियों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। कहा कि रंगदारी के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, किसी को भी असुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर में एक महिला के रिश्तेदार ने तमंची की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर एमएमएस बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ में दर्जन भर लड़कों ने लड़की से छेड़छाड़ कर उसे अपनी बाइक की तरफ खींचने की कोशिश की। पीड़िता के देवर और पति द्वारा विरोध करने पर उनकी सरिया से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोग इस घटना को देखते रहे, बाद में उन्हें लहूलुहान हालत में छोड़कर आरोपी भाग गए। सहारनपुर में किसान के मकान में घुसे तीन बदमाशों ने हथियार के नोक पर एक परिवार को बंधक बना लिया। 5 लाख रुपए समेत 15 लाख के जेवर लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने बियर सेल्समैन हत्याकांड का खुलासा कर पड़ोसी के होटल से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके पास से तमंचा, बंदूक बरामद किए हैं। पुलिस पूरा मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ बता रही है। उन्नाव में कुत्तों के लिए बिस्किट बनाने वाली एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। ललितपुर में शहजाद नदी पर बने गोविंद सागर बांध में दरार के बाद अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। बांध की गजरी और मिट्टी से मरम्मत के बावजूद पानी रिस रहा है। आलम यह है कि बांध की तलहटी में रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं। मथुरा में बंदरों का एक समूह आपस में भिड़ गया और मेडिकल स्टोर में घुस गया, जहां उसने जमकर उत्पात मचाया। 2 घंटे के इस उत्पात में यहां काफी नुकसान हुआ है। भदोही में उत्तर रेलवे के डीआरएमए के लोहाटी ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। भदोही के सांसद वीरेंद्र सिंह के साथ बैठक रेलवे की सुविधाओं में और ज्यादा इजाफा करने को लेकर चर्चा की गई।
मुजफ्फरनगर में उरी में हुए आतंकी हमले से नाराज हिंदू संगठन ने पाकिस्तान का पुतला फूंका, उसके खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस हमले का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। कौशाम्बी जिले के हजारों किसानों की जिंदगी में करेला मिठास खोल रहा है। कौशाम्बी में बड़े पैमाने पर करेले का उत्पादन हो रहा है, उसका निर्यात हो रहा है। कम लागत में किसानों को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पा रहे हैं, उनका जीवन स्तर सुधर रहा है। बरेली में फिर 16 साल की लड़की को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया, जिससे लड़की की मौत हो गई। हल्द्वानी की रहने वाली शाहीन लाल कुआं बरेली सिटी एक्सप्रेस से दवा लेने निकली थी, किसी ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। काफी देर बाद जीआरपी वहां पहुंची, लेकिन तब तक लड़की दम तोड़ चुकी थी। कांग्रेस की 27 साल यूपी बिहार यात्रा रविवार को शामली पहुंची। शामली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया यात्रा का। कांग्रेस सीएम पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित यूपी की बधा सड़कों को लेकर सरकार पर निशाना साधती नजर आई। कानपुर देहात के मंगलपुर इलाके में रति कापुरवा गांव में एक दबंग ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक महिला को बंधक बनाकर पहले उसे पीटा, दुष्कर्म किया और फिर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। और ये खेल पूरा 8 घंटे तक चलता रहा। महिला जिला अस्पताल में काफी गंभीर स्थिति में भर्ती है। बरेली के नगर थाना क्षेत्र के मटियारा गांव में शोहदों से तंग आकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा ने कई बार पुलिस हेल्पलाइन पर फोन कर शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। मथुरा के थाना जमनापार इलाके के सुखदेवपुर में भाई ने भाई की सरिया से पीटकर हत्या कर दी। इसकी वजह जमीन और पैसे के लेनदेन को बताया जा रहा है। शाहजहांपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दबंगों ने युवक को गोली मार दी। घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना थाना निकोही के हमजापुर गांव की है। युवक के बड़े भाई का आरोपी से पैसों को लेकर कोई विवाद हुआ था। गोरखपुर में चुनावी रंजिश में हुई प्रधान की हत्या को लेकर पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ ने प्रदेश सरकार और गोरखपुर जिला प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर ग्राम पंचायत स्तर को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कासगंज में एक दलित विधवा से गांव के युवकों ने गैंगरेप को अंजाम दिया। महिला अपने 4 साल के बच्चे को डॉक्टर को दिखाने ले गई थी। वापस लौटते वक्त गांव के 2 युवकों ने उसे गांव में छोड़ने की बात कही, लेकिन रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मुजफ्फरनगर में देर शाम शहर से वापस घर जा रहा बाइक सवार युवक संदिग्ध हालात में लापता हो गया। सूचना पर पुलिस ने जंगल में जबरदस्त कॉम्बिंग भी चलाई, लेकिन युवक का कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं। फरुखाबाद में निजी अस्पताल संचालक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने अस्पताल के सामने फायरिंग कर रही रईस जादों को धर दबोचा। परिजनों ने व्यापार मंडल नेताओं को लेकर कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया। सीओ ने चेतावनी दी और बाइक के चालान करवाने के बाद उन्हें घर भेजा। मथुरा में चौक बाग बहादुर से कुछ ही दूरी पर एक दबंग युवक ने मजदूर के पैर पर बाइक चढ़ा दी। जब इसका विरोध किया तो दबंग ने उसे बुरी तरह पीट दिया। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। आगरा के थाना इत्मादौला इलाके में बाल एवं महिला विकास शोषण निवारण कल्याण समिति की दबंगी देखने को मिली। एक महिला की शिकायत पर उसकी सास की महिलाओं ने जमकर पिटाई कर दी। महिला ने अपने सास और पति पर मारपीट का आरोप लगाया था। कुशीनगर के जिला अस्पताल में एक लड़की ने जेब से पैसे निकालकर भाग रहे युवक को पकड़ लिया, फिर जमकर पीटा। स्थानीय लोगों ने भी उस चोर को जमकर पीटा, इसके बाद पुलिस के हवाले किया। कानपुर के बिचूर इलाके में केले के विवाद में 2 परिवारों में इतना झगड़ा बढ़ा कि एक परिवार के लोगों ने 2 युवकों को ईंट से कुचलकर अधमरा कर दिया। हालांकि दबंगों के घरों की महिलाओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। गाजियाबाद में सिपाही ने मॉल में शॉपिंग करने आए एसपी नेता के भांजे को जमकर पीट दिया, लहूलुहान कर दिया। अफजल की सिपाही से किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज के पटियाली कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नवविवाहिता ने ससुराल के लोगों को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और जेवर नकदी लेकर फरार हो गई। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक महिला 4थी मंजिल से संदिग्ध हालात में गिर गई। मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक का है। यहां की पैरामाउंट सोसाइटी में घटना घटी। महिला का पति उसे अस्पताल ले गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।
रायबरेली में आकाशीय बिजली का जमकर कहर बरपा। सरीनी इलाके में 4 गांवों में आकाशीय बिजली गिरने से 15 लोग जख्मी हो गए, एक बच्ची की मौत हो गई। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र के नगरपालिका चेयरमैन के घर से 13 लाख के जेवरात चोरी हो गए। पुलिस को शक था कि चोरी किसी करीबी ने की है। नौकरों से पूछताछ की गई तो ड्राइवर और उसका दोस्त शक के घेरे में आ गए। पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में कार चोरी की वारदात सामने आई है। सीसीटीवी में पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं। कार मालिक ने थाने में दर्ज कराई है शिकायत, लेकिन पुलिस अब तक कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। 2 दिन बाद भी चोर को पकड़ने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। अमेठी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एसबीआई बैंक में घुसकर नकाबपोश 3 बदमाशों ने 12,000 रुपए लूट लिए। बदमाश बैंक में मौजूद एक शख्स का पर्स ले भागे। बदमाश हथियारों से लैस थे। भदोही में पुलिस की लापरवाही से लॉकअप तोड़कर चोरी का आरोपी फरार हो गया है। आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। जिस वक्त चोर भागा, पुलिस वाले सो रहे थे। एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया है। गोरखपुर में इंटरनेट के जरिए मोबाइल नंबर हासिल करने के बाद लॉटरी निकलने का मैसेज भेजकर जालसाजी करने वाला गिरोह पकड़ में आया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली के जनकपुरी मेट्रो स्टेशन पर दबिश देकर नाइजीरियन छात्र को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रशांत सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गाजियाबाद में दबंगों ने किराना व्यापारी से मारपीट की। दुकान में तोड़फोड़ की। आरोप है कि इलाके में दबंग जबरदस्ती पैसे वसूलते हैं और न देने पर मारपीट भी करते हैं। इसी का विरोध करने पर दुकानदार को जमकर पीटा गया। हापुड़ के गांव सादकपुर में हाईवे पर 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रक के ड्राइवरों को मौके पर ही अपनी जान गंवानी पड़ी। कंडक्टर की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर देहात में महामारी की तरह बुखार फैला हुआ है। 48 घंटे में 12 लोगों की जान चली गई। इस महीने बुखार से 65 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएमओ मामले पर पर्दा डालने में ही जुटी है। रामपुर में बुखार के चपेट में आकर रोजाना 1-2 मौतें हो रही हैं। सरकारी अस्पताल बुखार के मरीजों से भरे हुए हैं। 300 बेड के जिला अस्पताल में मरीजों को जगह नहीं मिल पा रही है। समय पर इलाज न मिलने से सिर्फ डेंगू से ही 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बागपत के बड़ौत में झूला झूलते इन्हें के दौरान एक लड़की के साथ दर्दनाक हादसा हुआ। लड़की के बाल झूले की चपेट में आ गए, जिससे उसका सिर कट गया। गंभीर हालत में उसे भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसे मेरठ रेफर किया है। आगरा थाना सिकंदरा में तैनात एक नशेबाज सिपाही का बेशर्मी भरा वीडियो सामने आया है, जिसमें सिपाही शराब के नशे में जमकर हंगामा कर रहा है, लोगों को धमका रहा है। सिपाही थाने में डांक बांटने का काम करता है और अक्सर लोगों के वारंट लेकर आता है। वारंट तामील करने के लिए जबरदस्त वसूली भी करता है। शाहजहांपुर में ओलंपिक खेल में 3-3 गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी महज 300 रुपए महीने की पेंशन के सहारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। खिलाड़ी कौशलेंद्र का कहना है कि सरकार एक बार उन्हें मौका दे तो वो ओलंपिक खेल में भारत को गोल्ड मेडल अब भी दिला सकते हैं। फरुखाबाद में जिलाधिकारी की जन चौपाल में अमेठी के जूनियर हाई स्कूल के बच्चे 19 का पहाड़ा नहीं सुना सके। शिक्षा का स्तर देखकर जिलाधिकारी ने स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षक को जमकर फटकार लगाई। आजमगढ़ पुलिस युवक युवती को थाने तो लाई थी सजा देने, मगर इनका प्यार देकर पुलिस वालों ने थाने में ही इनकी शादी करा दी। प्रेमी जोड़ा 20 दिन से फरार था। लड़की के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। दोनों बालिग थे, सो उनकी शादी करा दी गई। इलाहाबाद में दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सल आई कार्ड की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों का आरक्षण भी 3% से बढ़ाकर 5% कर केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। जानकारी दिव्यांगों के शिविर में दी गई। मेरठ के डीएम का पद संभालते ही बी चंद्रकला ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में असुविधाओं के देखने के बाद अधिकारियों ने डॉक्टरों को जमकर फटकार भी लगाई। रातिपुर के शहीद हरेंद्र यादव के घर में घटना के बाद से मातम पसरा है। शहीद की शहादत पर पूरे गांव में जहां गौरव है, वहीं कहीं ना कहीं दुख भी है। परिजनों का भी रो रोकर बुरा हाल है।
और उरी में शहीद हुए मथुरा के जवानों को आरएलडी के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। कुंवर नरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच की छाती वाले पीएम अब दुश्मनों को जवाब देने से कतरा रहे हैं। उरी आतंकी हमले में बलिया के दुभर थाना क्षेत्र के दुभर डेरा के राजेश कुमार यादव भी शहीद हुए हैं। राजेश बिहार रेजिमेंट के जवान थे। लांस नायक राजेश कुमार की पत्नी गर्भवती है और इसी महीने बच्चे को जन्म देने वाली है। जम्मू के उरी में जौनपुर के राजेश कुमार सिंह भी शहीद हुए हैं। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के भकुरा गांव के रहने वाले थे। परिवार का रो रोकर बुला हाल है। राजेश 6 साल पहले सेना का हिस्सा बने थे। संत कबीर नगर के मेहंदावल थाना क्षेत्र के घूरापाली गांव के रहने वाले सेना के जवान गणेश शंकर की शहादत पर पूरा गांव सदमे में डूबा है। शहीद के घर लोगों का जमघट लगा है। गणेश शंकर बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। फिरोजाबाद में स्कूली बच्चों ने उरी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। जम्मू कश्मीर के उरी में शहीद हुए जवानों को मिर्जापुर के स्कूल में बच्चों ने श्रद्धांजलि दी। बच्चों ने मोमबत्ती जलाकर बाहों में काली पट्टी बांधकर मौन रखा और श्रद्धांजलि दी गई। उरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में गोरखपुर के टाउन हॉल महात्मा गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा फूंककर उसके खिलाफ नारेबाजी की। फैजाबाद में भारतीय युवा मंच के लोगों ने कन्हैया कुमार के कार्यक्रम का विरोध किया। भारतीय युवा मंच के कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए फैजाबाद की सड़कों पर कन्हैया के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। उनका आरोप है कि पुलिस ने पहले कन्हैया के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन रात भर में किसका दबाव पड़ा कि उसके कार्यक्रम की इजाजत दे दी गई। उरी आतंकी हमले के बाद चंपावत जिले से लगी नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट किया गया है। नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कॉम्बिंग चल रही है। लालकुआ के शहीद स्मारक में किशोर उपाध्याय ने उरी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी जवाब दो, बीजेपी हिसाब दो रैली के तहत केंद्र सरकार की कमियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने गोविंद सिंह कुंजवाल पर उन्हें नियुक्ति समिति से हटाए जाने का आरोप लगाया है। वहीं कुंजवाल ने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, केवल एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। विकासनगर में बीजेपी जिला दफ्तर के बाहर अरविंद तोमर ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अरविंद तोमर ने बीजेपी पर उन्हें भाजयुमो मंडल महामंत्री के पद से निष्कासित करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष और अरविंद तोमर के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की अगुवाई में बीजेपी ने रानीखेत के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। भट्ट ने कहा कि सीएम नहीं चाहते कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, यहां की स्वीकृत योजनाएं भी रोकी जा रही हैं। बीजेपी के सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। विधायक पुंडीर का कहना है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत के दबाव में बीजेपी विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं। जब तक सड़कों की मरम्मत की तारीख तय नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। खटीमा में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर तहसील में प्रदर्शन किया। शिव सैनिक ने इंदिरा आवास घोटाले की जांच, अवैध शराब पर रोक, भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। पीडब्ल्यूडी के दैनिक कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता आरसी पुरोहित के खिलाफ मोर्चा खोला है। अपनी 12 सूत्री मांगों के लिए दून के हेड ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर चीफ इंजीनियर के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रदेश में प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक भी हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं। सीएम के सिपहसालार कह रहे हैं कि नाराज शिक्षकों को मना लिया जाएगा। उनके अनुसार जो शिक्षक हड़ताल से वापस आ गए हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। देहरादून में नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। प्रमोशन और कर्मचारियों के हितों के मद्देनजर कई योजनाओं पर नगर निगम कर्मचारी ठोस एक्शन की सालों से मांग कर रहे हैं। इनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रमोशन, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जैसी मांगें शामिल हैं। पिथौरागढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का बीजेपी ने समर्थन किया है। प्रकाश पंत ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सभी मांगें जायज हैं, इन्हें पूरा कराने के लिए वो सरकार से वार्ता करेंगे। रुड़की के तेलीवाला गांव में युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक छत पर सोया था जिस वक्त उस पर हमला हुआ। सुबह परिजनों ने छत पर खून से लथपथ शव देखा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राज्य के चार बड़े जिलों में जिला आबकारी अधिकारियों की जमकर दादागिरी चल रही है। शराब कारोबारियों को धमकाया जा रहा है, निजी मोटे मुनाफे वाले ब्रांड बिकवाए जा रहे हैं। वहीं आबकारी सचिव तमाम दुहाई और सफाई देने में ही व्यस्त है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से एक बार फिर भारी तबाही हुई। धारचूला मुख्यालय से 29 किलोमीटर दूर जुम्मा गांव में मूसलाधार बरसात ने तबाही मचाई। देखते ही देखते कुलाघाट नाले की चपेट में 6 पुल बह गए और कई रास्ते जमींदोज हो गए। खबर है कि राकेश रोशन ने अपनी फिल्म क्रिश 4 और शाहरुख स्टारर आनंद एल रॉय की फिल्म का 2018 क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस क्लैश डाल दिया है। राकेश का कहना है कि हम फिल्में बनाते हैं, जबरदस्ती झगड़ों को तूल देना हमारा काम नहीं है और दो बड़ी फिल्में जब रिलीज होती हैं तो दोनों के बिजनेस पर फर्क पड़ता है। फिल्म मिर्जिया के निर्माताओं ने फिल्म के प्रचार के लिए अब 10 करोड़ और डालने का फैसला किया है। इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है फिल्म को मिल रहा रिस्पांस। जब से मिर्जिया का ट्रेलर और गाने आए हैं, हर्षवर्धन कपूर और सयामी खेर की चर्चा ज्यादा तेज हो गई है। खबर है कि सलमान खान स्टारर फिल्म ट्यूबलाइट में एक्टर मोहम्मद जीशान अयूब सलमान के दोस्त का रोल प्ले करते नजर आएंगे। जीशान फिल्म में फौजी की भूमिका में नजर आएंगे। जीशान डायरेक्टर कबीर खान के साथ फैंटम में भी काम कर चुके हैं। इमरान खान ने कट्टी बट्टी के बाद अगली फिल्म साइन कर दी है। इमरान ने राज सिंह चौधरी की डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म के लिए हामी भरी है। राज 2009 में आई अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल में एक्टिंग करते नजर आए थे और डायरेक्टर बनने को उत्सुक हैं। विद्या बालन को डेंगू होने के बाद अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उन्होंने अपने फैंस को ट्विटर पर बताया कि घर में भरपूर आराम करने के बाद अब वो ठीक महसूस कर रही हैं। बद्रीनाथ की दुल्हनिया का कोटा में शूट खत्म कर आलिया अपनी फ्रेंड का बर्थडे मनाने सास समंदर पार स्पेन पहुंच गई हैं। यहां उन्होंने फ्रेंड्स के साथ जमकर पार्टी की। आलिया ने पिक्स शेयर करते हुए लिखा है, सास समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। शाहिद और मीरा ने अपनी बेटी का नाम मीशा रखा है। बच्ची का नाम उनके नाम के अंश मीरा का मी और शाहिद का श मिलाकर रखा गया है। शाहिद के ट्वीट ने इसकी पुष्टि कर दी है। शाहिद ने ट्वीट किया, मीशा कपूर ने डैडी का कहीं भी जाना असंभव कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा के इंटरनेशनल शो क्वांटिको का दूसरा सीजन 25 सितंबर से शुरू हो रहा है। पिग्गी चॉप्स ने शो की झलक अपने फैंस के साथ साझा की है। कैटरीना कैफ को स्मिता पाटिल अवार्ड देने के ऐलान पर सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने पर राम गोपाल वर्मा ने कैटरीना को सपोर्ट किया है। रामू ने कहा कि स्मिता पाटिल खुद भी होती तो उनके नाम पर कैट को अवार्ड दिए जाने को वो हामी ही भरती। सोनू सूद ने हाल ही में दबंग 3 के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें दबंग 3 के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। यदि कहानी की मांग होगी और उनका किरदार दमदार होगा तो निर्देशक उन्हें फिल्म में जरूर रखेंगे। लता मंगेशकर को बंगाली गीतों में योगदान देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंग विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गा पूजा त्योहार के बाद लता मंगेशकर के निवास पर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगी और ये पुरस्कार देंगी। प्राची देसाई ने रॉक ऑन 2 के मेकर से झगड़े की खबर पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि मेरी मेकर से अनबन हो गई है, मेरा फिल्म में सिर्फ 5 मिनट का रोल है, उन्हें पहले फिल्म देखनी चाहिए। दी कपिल शर्मा शो में कप्पू की पड़ोसन सरला की शादी हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिमोना और युवराज ब्राइडल लुक में नजर आ रहे हैं।
हाल ही में सीरियल नागिन 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। अदा खान ने एक तस्वीर अपलोड की है जिसमें मौनी रॉय और करणवीर बोहरा नजर आ रहे हैं। रोडी सीजन 4 की रनर अप और होस्ट रह चुकी विजय बानी को बिग बॉस 10 के लिए ऑफर मिला है। फिलहाल तो बानी ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। डांस प्लस 2 के सेमीफिनाले में सुशांत सिंह राजपूत नजर आए। सुशांत अपनी आने वाली फिल्म MS धोनी को प्रमोट करते दिखे। सीरियल भाभी जी घर पर है मैं अब आपको जल्द ही सनी लियोनी दिखाई देने वाली। सनी सीरियल में विभूति और तिवारी जी के संग फ्लर्ट करेंगी जिसे देखकर अंगूरी भाभी चलेंगी।